बलौदाबाजार जिले में 888 प्राथमिक शाला, 863 मिडिल स्कूल, 70 हाई स्कूल तथा 134 हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिसमें 1,60,000 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन स्कूलों में भवनों व शिक्षकों की कमी के चलते धीरे धीरे नए भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या कम हो रही है। इस साल अब तक जिले भर में प्राथमिक शाला में केवल 17,000 तथा छठवीं व नवमी कक्षा में 19,000 छात्रों ने प्रवेश लिया है, जो पिछले साल की तुलना में आधी है। बलौदाबाजार जिले में लगभग 4,000 विषय व्याख्याताओं की कमी है, जिसके कारण बच्चे शासकीय स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। बलौदाबाजार से लगे ग्राम सोनपुरी के प्राथमिक शाला के पहली क्लास में अब तक केवल 13 छात्रों ने प्रवेश लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को शाला त्यागी बच्चों को फिर से स्कूल भेजने व अधिक से अधिक शासकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए पालकों को समझने व प्रवेश अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए हैं। छत तो पर्याप्त है, पर यहाँ से अभी नया जो सेटअप चल रहा है ना, उसमें यहाँ से टीचर ले जा रहे हैं। अच्छा। तो व्यवस्था में भेज दिए तो अभी बचे हम लोग 4, और अभी नया युक्तिकरण होने वाला है उसमें भी 1 चले जाएंगे तो 3 बचेंगे। ऊपर से यहाँ पर बालवाड़ी भी खोल दिए हैं, है ना। अभी वर्तमान में हमारे पास 82 बच्चे हैं और 13 बच्चे पहली क्लास में एडमिशन लिए हैं। अच्छा। पहली भी जैसे 17,032 बच्चों की रिक्रूटिंग हुई है, छठवीं क्लास में ऐसी 19,814 बच्चे और नौवीं क्लास में भी 19,322 बच्चे हमारे एनरोल्ड हुए हैं। तो एक तो जैसा आप जानते हैं कि छठवीं और नौवीं में पांचवी पास आउट बच्चे या आठवीं पास आउट बच्चे एनरोल होते हैं और दूसरा कोई अन्य जिलों से आते हैं। मुख्य रूप से पहली क्लास में जो कि आंगनवाड़ी केंद्र से पढ़ने वाले 3 से 6 साल के जो बच्चे कंप्लीट करके निकलते हैं वो पहली क्लास में होते हैं, जिनकी संख्या 17,000 दर्ज हुई है।